जी अस्सलाम वालेकुम जी, माय डियर फ्रेंड्स, आजकल जो हॉट डिबेट जो चल रही है वो आर्टिकल 5 के ऊपर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का है। जो आर्टिकल 5 है उसकी जो टाइटल है वो है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो कैप्शन से तो साफ जाहिर है कि जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है उससे स्टेट जो है वो लॉयल्टी डिमांड कर रही है। तो क्वेश्चन अराइजेस एज टू व्हाट इज मेंट बाय लॉयल्टी। तो मेरे से जो स्टेट डिमांड कर रही है वो फेथफुलनेस डिमांड कर रही है, एक्सट्रीम ऑनेस्टी डिमांड कर रही है कि मैं लॉयल रहूंगा स्टेट के साथ। और दूसरा जो स्टेट डिमांड कर रही है वो ये है कि ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। ओबीडियंस से मुराद ये है कि आई विल गो बाय द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मैं उसको मानूंगा, उसको फॉलो करूंगा और ओबीडियंस टू लॉज करूंगा, लॉज की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। तो इसका जो टाइटल है वो कहता है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। वेरी सिंपल, that as a Pakistani, I am supposed to be loyal with the state, I am supposed to be obedient to constitution and the laws. जो obedience to the constitution है, इसके बारे में article 5 ये कहता है कि ये inviolable obligation है हर citizen की और हर वो शख्स की जो कि for the time being in Pakistan में मौजूद। तो डियर फ्रेंड्स, जो इनवॉयलेबल का लफ्ज़ है उसका मतलब ये है नेवर टू बी ब्रोकन। इसका मतलब ये है कि ये लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ जो है ये इनवॉयलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन है, मेरी आपकी ऑब्लिगेशन है। तो इनवॉयलेबल का मतलब है नेवर टू बी ब्रोकन, नेवर टू बी इन्फ्रिंज्ड, नेवर टू बी डिसऑनर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चांस वॉयलेशन का सिफर होना चाहिए। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं और आप सपोज टू बी लॉयल विद द स्टेट, सपोज टू बी ओबीडियंट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड सपोज टू बी ओबीडियंट टू द लॉ। दिस इज आर्टिकल 5। होप यू हैव अंडरस्टूड इट।